आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे के स्पेशल एपिसोड के साथ, जो बेस्ड है नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, मोबाइल और इंटरनेट के ज़माने में भी लोगों की दिलचस्पी किताबों में पैदा करने के मकसद से बुक फेयर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अगर आप किताबों के शौकीन हैं तो आपके लिए ये एक बहुत मौका अच्छा है, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर प्रगति मैदान में चल रहा है। इसे नेशनल बुक ट्रस्ट और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और वर्ल्ड बुक फेयर हमेशा ही अपने बेहतरीन किताबों के कलेक्शन के लिए जाना जाता है। इस बार क्या है खास नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में? नए साल के आगाज के साथ ही 4 जनवरी से न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर का भी आगाज हो चुका है। किताबों के शौकीन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आइए जायजा लेते हैं न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर का। प्रगति मैदान में हर साल लगने वाला वर्ल्ड बुक फेयर 2020 की गहमा गहमी देखने लायक है। इस बार वर्ल्ड बुक फेयर में 1300 से ज्यादा बुक स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पर लगभग 800 से ज्यादा पब्लिशर्स की किताबें अवेलेबल हैं। काफी अच्छा, बहुत बड़ा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। मैं हर साल आता हूँ, बहुत वैरायटी थी, बच्चों की बुक्स थी, साहित्यकार लोगों ने इस बार बहुत अच्छा पब्लिकेशन डाला, और काफ़ी लोगों जो इनको पढ़ने की एक अच्छी आदत है उनके लिए काफ़ी मसाले वाली अच्छी किताबें इन्होंने इस बार रखी हैं। हर साल की तरह इस बार भी वर्ल्ड बुक फेयर में हजारों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। राजधानी दिल्ली में मौजूद बुक लवर्स, राइटर्स, लिटरेरी पर्सनालिटीज, पोएट्स और यूथ, खासकर स्टूडेंट्स को इसका बहुत शिद्दत से इंतजार रहता है। पुस्तकों का संसार इतना बड़ा संसार है कि आज के युग के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आप पुस्तकों के माध्यम से बता भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। अभी लास्ट ईयर की तरह बहुत ही अच्छा NBT ने अरेंज किया है, एंड लिटरली बहुत ही अच्छा प्रिपरेशंस हैं इन लोगों का। 2 कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे अभी भी, बट उसके बावजूद NBT ने इतना ब्यूटिफुली अरेंज किया है, सब बहुत ही अच्छा चल रहा है। आई वर्क फॉर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, तो वी हैव अ स्टॉल हियर, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल ही हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारे लिए तो मतलब ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कस्टमर्स बहुत आते हैं। बहुत अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे बुक्स का, हर तरह की, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, दोनों लिटरेचर पूरी तरह से यहाँ पे अवेलेबल है। वर्ल्ड बुक के लिए बहुत बड़ा इवेंट है ये निस्केयर के लिए, और इसमें हमारे जो पब्लिसिटी होती है बुक्स की होती है बच्चों के लिए, साइंस से सारा रिलेटेड, साइंस रिलेटेड है बच्चों के लिए। उर्वशी खरीदी दिनकर जी की, सत्यार्थ प्रकाश ली हमने दयानंद सरस्वती जी की, तो इस तरीके से कुछ किताबें ली हैं। बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, हमने साइंस, स्टोरी बुक्स, अलग अलग वैरायटीज हैं, और हमने बहुत कुछ खरीदा भी है। न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2020 के ड्यूरेशन की बात करें तो प्रगति मैदान में 4 जनवरी से शुरू हुआ ये वर्ल्ड बुक फेयर 12 जनवरी तक चलेगा। वर्ल्ड बुक फेयर की टाइमिंग है सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। इस बीच आप मेला घूम सकते हैं और मनचाही किताबों की खरीदारी भी कर सकते हैं। आपको ये भी बताती चलूं कि आप गेट नंबर 1 और गेट नंबर 10 से एंट्री कर सकते हैं, और पार्किंग की फैसिलिटी भैरव मंदिर की तरफ मौजूद है। वहां का रास्ता आप आसपास की किसी भी लोकल से पूछ सकते हैं। वर्ल्ड बुक फेयर का टिकट काउंटर गेट नंबर 1 पर है। वहां काउंटर पर बच्चों के लिए टिकट की कीमत 10 रुपये और बड़ों के लिए टिकट की कीमत 30 रुपये है। वहीं बुक माई शो से टिकट खरीदने पर एडल्ट्स के लिए 20 रुपये लगेंगे। स्कूल स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन की एंट्री वर्ल्ड बुक फेयर में फ्री है। न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2020 की थीम इस बार महात्मा गांधी पर रखी गई है। गांधी जी पर बेस्ड एक स्पेशल स्टॉल भी लगाया गया है, जहां अलग अलग लैंग्वेजेस की 500 से ज़्यादा किताबें मौजूद हैं।
बाकी के स्टॉल पर भी गांधी जी पर लिखी गई किताबें ज्यादा तादाद में आप देख सकते हैं। कैमरामैन मनीष के साथ मैं समरीन फातिमा। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में चार खास मेहमान मौजूद हैं। एनबीटी के चेयरपर्सन गोविंद प्रसाद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, सर स्वागत है आपका। एनबीटी के एडिटर विक्रम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, सर वेलकम। CSIR निस्केयर से बिजनेस डेवलपमेंट डिवीजन की हेड चारू वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, मैम बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के फॉर्मर सीनियर ऑफिसर सूर्यकांत शर्मा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का मैं स्टूडियो में इस्तकबाल करती हूँ और शुरुआत पे करना चाहूँगी गोविंद जी आपसे। हम हर साल बुक फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं, इसके पीछे जो बड़ी सोच है, जो बड़ा आइडिया है वो क्या रहता है, और हर बार अगर हम उसमें कुछ भिन्नता देखते हैं, कुछ अलग चीज़ें देखते हैं, तो उसके पीछे मकसद क्या रहता है? विश्व पुस्तक मेले का सबसे बड़ी बात यह है कि विभिन्न प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तकों को हम आम आदमी के सामने लाते हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि कई प्रकाशक देश के और विदेश के भाग लेते हैं और अपनी अपनी नई रचनाओं को पब्लिक के सामने लाते हैं। ये एक बहुत सामान्य बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है जी। इस वर्ष जो विश्व पुस्तक मेला है दिल्ली का, उसमें गांधी से जुड़ा हुआ जितना साहित्य है जो एनबीटी ने प्रकाशित किया है वो जी, और भाग लेने वाले जितने भी प्रकाशक हैं वो, उनने गांधी को केंद्र मान करके जितनी भी पुस्तकें पिछले एक दो वर्ष के अंदर प्रकाशित की हैं जी, उनको इस पुस्तक मेले के अंदर लाया गया है। आम व्यक्ति को विभिन्न प्रकार से गांधी का व्यक्तित्व देखने और समझने को मिले जी, ये प्रयास इस पुस्तक मेले का है जी। जी बहुत सुंदर। और आपसे विक्रम जी मैं जानना चाहती हूँ कि जो इंटरनेशनल बुक फेयर्स और भी ऑर्गेनाइज होते हैं इंटरनेशनली, जो अक्लेम भी अपने आप में हम कह सकते हैं उनको, लेकिन हमारा जो बुक फेयर है वो बाकी इंटरनेशनल बुक फेयर से कैसे अलग रहता है और हम एज कंट्री कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो जो विश्व पटल पर जो बुक फेयर्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं जी, एक होता है जिसे हम कहते हैं B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, और एक होता है बिजनेस टू बिजनेस। हमारे यहाँ जो हम जो नई दिल्ली पुस्तक मेला आयोजित करते हैं और 1972 से हम आयोजित कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा ब्रांड है। जितना भी जितने भी जो भी इंटरनेशनल कैलेंडर बुक फेयर्स के बने हुए हैं उनके प्रायोरिटी लिस्ट में हमारे बुक फेयर रहती है, और लेकिन ये B2C भी है और B2B भी है। तो B2C का मतलब आप जो आप देखते हैं लोग आते हैं और पुस्तकें खरीदते हैं वो रिटेल सेलिंग भी है, और साथ ही साथ जो पब्लिशर्स हैं वो अपनी मीटिंग्स, अपनी बिजनेस मीटिंग्स भी करते हैं। हमारे पास एक दो उसके प्लेटफॉर्म्स भी हैं, वो भी प्रोवाइड करते हैं। और रही बात कि हम दूसरे बुक फेयर से हम किस तरह से कंपेयर करते हैं, तो देखिए एफ्रो एशियन रीजन में नई दिल्ली बुक फेयर को हम बिगेस्ट बुक फेयर मानते हैं, सिर्फ फुटफॉल के हिसाब से नहीं, इवन सबसे जो हमारा जो जो एक बहुभाषीय जो हमारा जो परिदृश्य है उसके कारण ये बुक फेयर एक अपने आप में एक बहुत रिच और बहुत ही आप कह सकते हैं कि मल्टी लेयर्ड हो जाता है जी। तो अब चीन में भी एक अच्छा बुक फेयर होता है, बीजिंग इंटरनेशनल बुक फेयर, लेकिन वहाँ चीन में एक ही भाषा मुख्यतः जो मैंडरिन जो चाइनीज़ है वो चलती है। आप अगर शारजा और अबू धाबी में जाएं तो वहाँ अरेबिक पब्लिशर्स का दबदबा है, तो लेकिन हमारा उस लिहाज से बहुत ही बुक फेयर ये अलग है और इसमें ज़्यादा आप कह सकते हैं कि रंग बहुत है जी। चारू जी आपके पास हूँ, उससे पहले सूर्यकांत जी आपसे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने अपनी सेवा के दौरान बहुत सारे जो बुक फेयर्स हैं उसमें उनको न सिर्फ ऑर्गेनाइज करवाया बल्कि एक तरह से पार्टिसिपेट आपने करवाया किया है। अभी अगर इंडिया के जो कॉरपोरेट इमेज है
उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो ये जो इंटरनेशनल बुक फेयर है, इसमें पार्टिसिपेट करना किसी का भी कितने हद तक हेल्पफुल रहता है? जी, सबसे पहले तो मैं डीडी उर्दू को, जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है उस पर उनको अवार्ड मिला है अपनी क्रिएटिविटी के लिए, उसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी वो इस मयार को कायम रखेंगे। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ कि कॉरपोरेट इमेज जब एक कंट्री की जाती है और वो भी एज ए सॉफ्ट पावर, तो बुक फेयर या जो बुक्स है वो हमारे सबसे, जो कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कह लीजिए और हथियार भी कह लीजिए। जब हम अपने फेयर्स को प्रोजेक्ट करते हैं, अपनी बुक्स को, अपने पब्लिशर्स को, अपने पूरे ऑथर्स को, एक पूरी दुनिया को हम एक क्रिएटिवली जब हम उसको पुटअप करते हैं जी, तो वहाँ पर सवाल आता है कि ये कौन से देश से हैं। अभी कुमार विक्रम साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर एक, जिसको कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। राइट, हमारे यहाँ प्लूरेलिटी है, हमारे यहाँ विभिन्नता में एकता है। True. तो हम विभिन्न भाषाओं को भी उसी चाव से पढ़ते, सुनते, मार्केट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे हम अपनी मातृभाषा हिंदी को करते हैं, उसी तरह से अंग्रेजी को करते हैं। तो जब हम अब बात आती है कॉरपोरेट इमेज की, ये हम जानते हैं कि कंप्यूटर में हम सुपर पावर हैं जी। अब सवाल ये आता है कि इसी तरह से हम बुक पब्लिशिंग में, बुक मार्केटिंग में, एडिटिंग में, एक ओवरऑल पब्लिशिंग इंडस्ट्री के में कैसे बेहतर हो सकते हैं। तो हम अपनी, अभी चेयरमैन साहब ने भी कहा कि विश्व पुस्तक मेले का ये भी एक उद्देश्य है कि जितनी भी नई रचनाएं आई हैं, जितनी भी नई पुस्तकें आई हैं, उसको हम लोगों के सामने बताएं। और जब हम बुक फेयर में एनबीटी के माध्यम से जाते हैं या कैपेक्सल के माध्यम से जाते हैं, तो हम अपने जो एक विभिन्नता जो है, जो उसकी एक विवेसिटी है, उसको हम शोकेस करते हैं कि हम कंप्यूटर के साथ साथ नॉलेज एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम अल्टीमेटली 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुसार। और एक चीज और बता दूं कि हमारी जो बुक पब्लिशिंग इंडस्ट्री है जी, वो ग्रो कर रही है। बस इसमें एक एलिमेंट माइनस होना है, वो ये है कि हम अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट शो करें। ओके, तो कॉर्पोरेट इमेज हमारी बेहतर हो रही है, लेकिन इसको लगातार हमको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार हमने कोई चीज कर ली, जैसे वर्ल्ड बुक कैपिटल 2003 में इंडिया बना, एनबीटी ने एक बहुत अहम रोल निभाया, बाकी लोगों ने भी अहम रोल निभाया। अब मुझे इस बात का व्यक्तिगत रूप से इंतजार है कि वर्ल्ड बुक कैपिटल 2003 के बाद अब इंडिया का नंबर कब आता है। ओके, फाइन सर। चारू जी, आपसे जो मैं जानना चाहूँगी वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर जानना चाहूँगी। इसका जो पब्लिकेशन है उसकी, आई एम श्योर, उसकी एक अपनी जगह है, लेकिन अगर हम इंडिया के तौर पर देखें, हिंदुस्तान के तौर पर देखें, तो अगर वर्ल्ड मैप पर हम आना चाहते हैं तो, और हम अपने आप को प्रमोट भी उस तरीके से करना चाहते हैं, तो क्या इनिशिएटिव्स होने चाहिए और आर वी ऑन राइट ट्रैक? जरूर, पहले तो डीडी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अपने विचार को व्यक्त करने का अवसर दिया। मेरे हिसाब से, जैसा हम सब जानते हैं, एजुकेशन है इम्पॉर्टेंट एम्पावरमेंट के लिए, यानी कि शिक्षा सशक्तिकरण के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब वो सशक्तिकरण होगा कैसे? एसएनटी के माध्यम से बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंडिया आईटी के मैप पे ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश कंट्री के रूप में निकल रही है, तो उसमें हमारे लिए एसएनटी बुक्स का बहुत महत्व हो जाता है। तो इस तरह के फोरम, जैसे कि वर्ल्ड बुक फेयर में, जहाँ पे, जैसे एनबीटी के चेयरमैन जी ने बताया कि हमारे पास एक मीडियम है अपनी बुक्स को सारा वो विजिबल करने के लिए, तो इन बुक्स में अगर एसएनटी की बुक्स देश विदेश में जाती हैं एनबीटी के थ्रू, तो बहुत ही उसमें हमारे उसमें इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब देखिए, ऐसा है कि अगर एसएनटी की बुक्स को देखना है तो उसके लिए सिर्फ अंग्रेजी ही एक माध्यम नहीं हो सकती, उसके लिए हमें क्षेत्रीय भाषाओं में भी जाना पड़ेगा। तो निस्केयर क्या करता है कि हमारी जितनी भी बुक्स हैं, साइंस की बुक्स हैं या बच्चों के लिए बुक्स हैं, उन सब के थ्रू हम चाहते हैं कि बच्चों में एक साइंटिफिक टेम्पर, एक दृष्टिकोण उत्पन्न हो। अब वो दृष्टिकोण उत्पन्न होने के लिए या तो अंग्रेजी हो या गुजराती हो, असमी हो, पंजाबी हो, वो रीजनल लैंग्वेज का पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास पूरी एक टीम है जिसके तहत हम लोग 22 हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें अपनी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो, जीन्स पे हो, डायनासोर्स पे हो, बर्ड्स पे हो, उन सबको हम उनमें ट्रांसलेट करके और ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक हम पहुंचना चाहते हैं। तो वर्ल्ड बुक फेयर हमारे लिए बहुत अच्छा माध्यम है, धन्यवाद एनबीटी को। तो इस माध्यम से हम अपनी पकड़ ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। लेकिन जब हमने इंडिया का पूरा माध्यम देख लिया, तो उसमें अब देश विदेश में जाने के लिए हम, जैसे कि इंटरनेशनल फेस्टिवल्स हैं एनबीटी के, या हमारे और कोई तरीके हैं, जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, किंडल्स हैं,
या और कोई मैकेनिज्म्स हैं उनको भी आजकल यूज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि मोबाइल के उपभोक्ता बहुत बढ़ गए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल. तो उन पे इनकैश करना बहुत बहुत जरूरी है जी. इसलिए गोविंद जी से मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने जिन आयामों का और माध्यमों का जिक्र किया वो निश्चित है वो समय की जरूरत है, लेकिन NBT जो किताबों को पढ़ने वाले शौकीन लोग हैं उनमें वो रुचि पैदा करना और उन तक पहुंचने में, उन तक जाने में या उनको अपने तक ले आने में कितना सक्सेसफुल रहा है? दो बातें आपको बताऊं जी. NBT 52 भाषाओं में और बोलियों में पुस्तकों का प्रकाशन करता है जी. ये वो संख्या है जो दुनिया की कोई एजेंसी इतनी भाषाओं और बोलियों के अंदर पुस्तकों का प्रकाशन नहीं करती. एक चीज. दूसरी चीज, NBT 3 साल के बच्चे से लेकर के और पूरी एज तक, वृद्ध तक पुस्तकों को प्रकाशित करती है. उनके लिए भी पुस्तकें हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं, तो वो फोटो से फोटो देख करके एक स्टोरी को बना सकते हैं. इस तरह से लेकर के और वृद्ध लोगों तक स्वास्थ्य को लेकर के, अभिरुचियों को लेकर के, पेड़ पौधों को लेकर के ये पुस्तकों का प्रकाशन है. दूसरी चीज, हमारी पुस्तकें आम जनता के लिए हैं, आम पाठक के लिए हैं. उद्देश्य NBT का यह है कि पुस्तक कल्चर का विकास हो और आम व्यक्ति के अंदर पुस्तकों को पढ़ने की अभिरुचि हो, तो उनकी भाषा में उतनी सरल तरीके से लेकिन ज्ञान युक्त पुस्तकों का प्रकाशन हम लोग करते जी. तो सूर्यकांत जी, हम बिल्कुल ये समझे गोविंद जी से की बातों से कि हम एक तरह से NBT के थ्रू पूरे इंडिया को हम रिप्रेजेंट करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं. हाँ, ये काफ़ी हद तक इसको कहा जा सकता है, क्योंकि नेशनल बुक ट्रस्ट की जो बेसिक एस्टेब्लिशमेंट है वो बुक कल्चर को प्रमोट करने के लिए है. और दूसरा, NBT का योगदान जो विदेशों में जो बुक फेयर है उसमें भी रहता है, साथ में कैपेक्सिल भी है, लेकिन नेशनल बुक ट्रस्ट का एक अपना मायार है. और जैसा कि अभी आपने बताया कि 52 भाषाओं बोलियों में इतना बड़ा प्रकाशन, इसके साथ साथ दूसरे विभाग भी हैं, निस्केयर है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, पब्लिकेशंस डिवीजन है, साहित्य अकादमी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो NBT के साथ कोलैबोरेट करते हैं जी. क्योंकि NBT एक बहुत बड़ा इनका रोल ये है कि किताबों को वहाँ तक ले जाते हैं जी. और उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर टेंडर करना, फिर उसके बाद उस स्टॉल को बनवाना, फिर अपने आदमी भेजना, ये नॉर्मल किसी विभाग के लिए संभव नहीं है. तो यहाँ पर NBT पूर्णतया अपने उद्देश्यों में सफल है, लेकिन अभी भी इसमें इसको और ज़्यादा फंड्स अवेलेबल कराए जाएं और दूसरे विभागों में विशेष रूप से मार्केटिंग का जो स्टाफ है वो अवेलेबल कराया जाए. वो कहीं ना कहीं बुरी तरह से कम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स पर आप डिपेंड कर रहे हैं. ये ठीक वैसे ही है जैसे आप एक, अगर क्रिकेट की भाषा में कहूं तो एक रेगुलर बैट्समैन खेल रहा है क्रीज पर और एक देख रहा है केवल मैच या मैदान के बाहर खड़ा है. जब हमें रेगुलर मार्केटिंग फोर्स मिलेगी, जिसको हम मार्केटिंग को हम मार्केट वल्चर कहते हैं, गिद्ध दृष्टि और गिद्ध चेष्टा, तुरंत पहुंचना, तुरंत टैप करना चीजों को, वो बहुत अहम है. तो वहां पर NBT को और बाकी सरकारी इदारों को देखना पड़ेगा. कुमार विक्रम जी से मैं ये जानना चाहूंगी कि और कौन से ऐसे बुक फेयर्स हैं जहां पर हम जाएं और जो इंडिया की इमेज है उसको हम और बेहतर करें. देखिए, इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो वर्ष 19-20 का चल रहा है जी. ये भारतीय प्रकाशन जगत में इस रूप में एक आप कह सकते हैं कि अप्रत्याशित ये वर्ष है कि 3 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भारत को अतिथि देश के रूप में सम्मानित किया गया. तो सबसे पहले तो इस अप्रैल में, पिछले अप्रैल में हम लोग अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर में भारत अतिथि देश था और आप उसको ब्रांडिंग का फलक इस रूप में देखिए कि आप 1,000 square meters में भारत मंडप बनाया गया और NBT ने अपने स्तर पर 10 पुस्तकों का अरेबिक में ट्रांसलेट करके वहाँ लॉन्च भी किया. वहाँ कुछ हमने उसकी प्रदर्शनी भी लगाई, सेल भी लगाई और दूतावास के माध्यम से उस पर आगे काम करने की हमारी योजना है. उसके साथ साथ 25 प्रकाशक हमारे साथ जुड़ के वहाँ उन्होंने खुद अपना स्टॉल लगाया और प्रकाशक जो प्राइवेट पब्लिशर्स होते हैं वो पूरा फीडबैक
अब उस रूप में देते नहीं हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल चैनल से जो हमारे पास फीडबैक आते हैं तो उनका काफ़ी अच्छा उनका वहाँ पे प्रेजेंस रहा। उसके अलावा यहाँ से काफ़ी लेखक गए, एनबीटी के तरफ से गए, साहित्य अकेडमी की तरफ से गए, कुछ अबूधाबी इंटरनेशनल बुक फेयर ने खुद काफ़ी लोगों को इन्वाइट किया हमारे माध्यम से, तो एक काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हुआ और 100 से अधिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर हमने अपना वहाँ पेशकश दी। और अभी अभी हम लोग पीछे एक महीना पहले ग्वादलाहारा एक जगह है मेक्सिको में, जो कि स्पैनिश स्पीकिंग वर्ल्ड की सबसे बड़ा ये है बुक फेयर है, वहाँ हमें भारत को अतिथि देश के रूप में इनवाइट किया गया। वो उस पर काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी, 2 साल से उस पर काम चल रहा था, तो वहाँ भी भारत मंडप जो बना वो करीब 1200 स्क्वायर मीटर में भारत मंडप और 100 से अधिक वहाँ भी प्रतिनिधि गए, काफ़ी पब्लिशर्स गए, एक इंडिया बुक स्टोर बनाया गया जिसमें कि हमारे जो पब्लिशर्स हैं उन्होंने यहाँ किताबें यहाँ से भेजी और इंग्लिश में और कुछ स्पेनिश की भी किताबें, और 12 किताबें तो हम लोगों ने खुद स्पेनिश में वहाँ लॉन्च की जिसमें कि एक महात्मा गांधी के जीवन पर जो बच्चों के लिए किताबें हैं बापू की बातें वो भी हुआ, और एक रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब है छुट्टी, उसको हमने स्पेनिश में ट्रांसलेट करके, तो एक आप कह सकते हैं कि नए आयाम भी खुल रहे हैं। पहले क्या था कि फ्रैंकफर्ट सबसे बड़ा पुस्तक मेला माना जाता है, लंदन है, और इसके साथ साथ लेकिन ये जो लैटिन अमेरिका का जो एक नया मार्केट खुला है और वहाँ जो पब्लिशर्स गए वो काफ़ी संतुष्ट होके वहाँ से लौटे हैं, और कुछ जो बिजनेस जो उन्होंने हमें डेटा इनफॉर्मली शेयर किए हैं वो काफ़ी अप्रत्याशित है। और मार्च में फिर पेरिस पुस्तक मेले में भारत अतिथि देश है, और यह तो भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति फ्रांस के उनके बीच में एक जॉइंट स्टेटमेंट हुआ है, उसके अंतर्गत भारत अतिथि देश है पेरिस में 2020 इस मार्च में, और फ्रांस यहाँ हमारे नई दिल्ली पुस्तक मेले में 2022 में अतिथि देश बन के आएगा। तो इस तरह से कई आयाम हैं इसमें जिसमें कि एनबीटी के माध्यम से प्रकाशक जुड़ के आप चाहे बिजनेस कहें चाहे कल्चर कहें उसका प्रमोशन कर सकते हैं। बुक प्रोडक्शन में भी अगर चारू जी हम देखें तो हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं लगातार, लेकिन बावजूद उसके भी जो रिप्यूट मिल रहा है हमको, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्शन से ज़्यादा कंटेंट का इम्पॉर्टेंट इशू रहता है। प्रोडक्शन तो हम लोग मैनेज आराम से कर सकते हैं, बट चैलेंज ये होता है कि कैसे अच्छे से अच्छा कंटेंट करें। जैसे निस्केयर ही हमारा CSIR की जितनी भी लेबॉरटरीज हैं, हमारी 38 लेबॉरटरीज हैं, और उनमें जितना भी हमारा S&T का काम होता है, हमारे 19 रिसर्च जर्नल्स निकलते हैं। अब हम पूरी कोशिश करते हैं कि उन रिसर्च जर्नल में इंटरनेशनल क्वालिटी के आर्टिकल्स हों और वो सब चीज़ें हों, क्योंकि उसमें हमारा इंटरनेशनल कोलेबोरेशन रहता है सारे रिसर्च कम्युनिटी के साथ। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो प्रोडक्शन में अगर आप नई से नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो आप उसको ईजिली आराम से ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सकते हैं। जैसे कि हम कह रहे थे कि हमारा जो संस्कारी संस्थाओं का जो मकसद है वो है कि हम समाज के हर वर्ग तक कैसे पहुँचें, वो भी शायद मिनिमम कॉस्ट में और एक अच्छा कंटेंट दे पाएँ। तो मुझे लगता है कि प्रोडक्शन तो हम लोग आराम से हैंडल कर सकते हैं, कंटेंट भी हैंडल कर सकते हैं, बट चैलेंजेस मोर टूवर्ड्स कंटेंट। आप सभी मेहमान आए, चारू जी आपका, कुमार विक्रम जी आपका, गोविंद जी आपका, सूर्यकांत जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए वक्त निकालकर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा खास प्रोग्राम आपको कैसा लगा अपनी राय आप हमें ज़रूर भेजिएगा। आप मेल कर सकते हैं, इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है dd.urdu.specials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, आदाब।